तो फाइनली अब जाकर इंडिया के अंदर एक और न्यू एनिमे प्लेटफॉर्म की एंट्री हो चुकी है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ही। बट इसके अलावा ड्रैगन बॉल दाइमा का लेटेस्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड को तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कुक किया गया है। और इसके अलावा अटैक ऑन टाइटन की मूवी और भी बहुत सारे एनिमे और मांगा अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इससे चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना ब्लू लॉक का सीजन 2। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका न्यू एपिसोड हम लोग को आज ही देखने मिलेगा, बट चलो सीजन 2 को तो आप लोग जैसे तैसे करके देख लोगे। बट यहाँ पे बात करें इसके सीजन 3 के बारे में, और यहाँ पे हाँ मेरे पास सीजन 3 की भी न्यूज निकल के आ चुकी है। और अगर आप लोग भी ब्लू लॉक के सीजन 2 को देखकर थक चुके हो तब आप लोग सीजन 3 के लिए भी तैयार हो जाओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज यहाँ पे ब्लू लॉक के सीजन 2 को रिन्यू करवा दिया गया है सीक्वल के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 2 के बाद आप लोग को सीजन 3 देखने मिल जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब सीजन 2 खत्म होगा तो उसके बाद जाकर हम लोगों को सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी, जिसका मतलब ब्लू लॉक फैंस को सीजन 3 के अनाउंसमेंट के लिए ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। अब वैसे मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये लोग ब्लू लॉक को कंटिन्यू कर कैसे पा रहे हैं, यहाँ ब्लू लॉक की अभी कैसी हालत चल रही है वो हम सभी लोग जानते हैं। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग ब्लू लॉक के एनिमे के ऊपर काम करे तो इस बार अच्छा खासा बजट और टाइम लेकर काम करे। अब वैसे ये तो पहला एनिमे हो गया, बट दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जो आते हैं अपना टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स का एनिमे, जो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैं बता दूं कि इस एनिमे का सेकंड सीजन अभी प्रोडक्शन में। और इसके अलावा तीसरे एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना मेड इन एबिस, तो अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है तो मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे का जो सीक्वल है वो भी अभी ऑफिशियली तौर पे प्रोडक्शन में। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि अब इसका सीक्वल कब तक आएगा, तो देखो इसके रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी सोर्स मटेरियल कुछ ज्यादा है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस एनिमे को आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को GTA 6 से पहले देखने नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए यही कुछ एनिमेज है जिनके सीक्वल को लेकर मेरे पास कुछ न्यूज थी। और इन एनिमे का रिलीज डेट क्या होने वाला है अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आते रहेंगे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ यूनिक अपडेट्स बारे में, जैसे अगर आप लोगों ने Godzilla -1 की मूवी देख ली तो यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि Godzilla की एक और न्यू मूवी अनाउंस हो गई है और इस मूवी को भी लाने वाले हैं Takashi Yamazaki। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने -1 की मूवी देखी थी और अब यहाँ पे Godzilla की न्यू मूवी भी अनाउंस हो गई, जिसके लिए मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि मेरे एक्साइटमेंट को अभी साइड में रखें और यहाँ पे हम लोग बात करें एक सीरियस इशू के बारे में जो निकल के आता है अपने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जहाँ भी यूनाइटेड नेशंस के इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जापान के जो गेम्स मांगा एनिमे ये सब जो होते हैं वो यहाँ पे प्रमोट करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन। जो देखो ये बात कितनी ज्यादा सही है कितनी ज्यादा गलत वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट देख लगता है कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसने यहाँ पे कुछ गलत एनिमे मांगा या फिर वीडियो गेम्स देख लिया। और एक बात बोलूँ तो अगर इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया गया तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैपनीज कॉन्टेंट में सेंसरशिप देखने को मिलेगी। अब वैसे इसके अलावा हम लोग बात करें अपनी कुछ मांगा और नॉवल न्यूज के बारे में, जैसे रोसोडेरी की जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नॉवल होने वाली है उसको लेकर हमें कुछ इलस्ट्रेशन देखने मिल चुका है, जहाँ पे हमें यूकी का डांस वाला इलस्ट्रेशन भी देखने मिला है जो देखकर काफी ज्यादा ही सही लग रहा है। और इसके अलावा अगली खबर के बारे में बात करें जो आता है हमारे ओशिनोको की मांगा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग ओशिनोको की मांगा रीड कर रहे थे तो यहाँ पे आप लोग पता ही होगा कि इसकी मांगा 14 नवंबर को एंड होने वाली है। और एंड तो होगी बट आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे ओशिनोको मांगा का जो फाइनल चैप्टर होगा उसके अंदर हम लोगों को लिटरली 50 पेजेस देखने मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्टेंट होगा जो आप लोग रीड करो एंजॉय करो। क्योंकि अब हम लोग बात करें अपने फेरी टेल की मांगा के बारे में, जिसको अब यहाँ पे एंड किया जा चुका था, बट यहाँ पे जो फेरी टेल मांगा के ऑथर है जिनका नाम है हीरो माशिमा, तो ट्विटर के ऊपर उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि वो फेरी टेल की मांगा को 100 ईयर क्विस्ट के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उनका रीजन ये है कि इतनी पॉपुलर मांगा को इतनी जल्दी खत्म कर देना यहाँ पे ये सही नहीं होगा, इसलिए आप इस मांगा को रोकने से अच्छा ये फेरी टेल की मांगा को कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर इसकी कोई न्यू स्पिन ऑफ स्टोरी हमें देखने मिल जाए, जो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं माशिमा सेंसे के आगे के काम को जरूर देखना चाहूंगा। अब वैसे जितने भी मांगा अपडेट्स थे वो बस यही तक थे, इसलिए अब हम लोग वापस से अपने एनिमे न्यूज के ऊपर आए। तो अगली एनिमे आती है अपनी गंडम सीट फ्रीडम, जिसका एक न्यू प्रीक्वल एनिमे अनाउंस हो गया है और इसका टाइटल रखा गया है मोबाइल सूट गंडम सीट फ्रीडम 0। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आती है अपनी एक न्यू एनिमे मूवी, जिसका नाम है पुलिया मागी माडोका मैजिका मूवी, जिसका हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और मानना पड़ेगा कि ट्रेलर के अंदर जो हमें एनिमेशन दिखाई गई है वो काफी सही है। अब वो बात अलग है कि ये रेबेलियन की सीक्वल एनिमे मूवी होगी, और अगर आप लोग इस एनिमे मूवी को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये विंटर 2025 के लिए शेड्यूल है। अब वैसे यहाँ पे हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में बात करें और यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक मूवी के बारे में बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी AOT के फैंस है आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की लास्ट मूवी के अंदर हम लोगों को कुछ कमाल की चीजें देखने मिलेगी। जैसे ये मूवी 2 घंटे 25 मिनट की तो होगी और इसी साथ में आप लोगों को मूवी क्वालिटी वर्जन देखने मिलेगा, साथ में कुछ इम्प्रूव कट्स और 5.1 सराउंड साउंड सुनने को मिलेंगे, जो अभी समझ में आ रहा है कि मूवी एब्सोल्यूट सिनेमा तो होगी लोगों के लिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज निकल के ये आई है कि AOT द लास्ट
अटैक की जो मूवी होगी उसके अंदर हम लोगों को एक न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलेगा। और न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब ये है कि हम लोगों को वो सीन दिखाया जाएगा जो हम लोगों को ओरिजिनली एनिमे और मांगा के अंदर कभी दिखाया नहीं गया। और ज्यादातर जो पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं वो यहाँ पे किसी एनिमे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए दिखाए जाते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए क्योंकि इसकी स्टोरी वैसे भी परफेक्ट है। और वो बात अलग है कि अगर मापा स्टूडियो वाले इसको मिल करना चाहे तो मिल कर सकते हैं। अब वैसे ही मूवी हमें जापान में नेक्स्ट वीक यानी 8 नवंबर को देखने मिलेगी। जो अभी मूवी इंडिया में आएगी या नहीं अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना ड्रैगन बॉल डाइमा। और भाई साहब इसको कहते हैं पीक एपिसोड क्योंकि ड्रैगन बॉल डाइमा का 4th एपिसोड अब फाइनली रिलीज हो गया। और इसके 4th एपिसोड को देखने बाद मैं बस यही कहूंगा कि ये ड्रैगन बॉल डाइमा का अब तक का बेस्ट एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो हमें गोकू की फाइट देखने मिली है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और इवन एनिमे कम्युनिटी के अंदर भी अभी इसी की बातें चल रही है जहां पे लोग जो है वो इस एपिसोड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और इवन काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस एपिसोड को 10 out of 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए। जो जेन्युइनली कहूं तो यहां पे ये एपिसोड मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया तो यहां पे मैं भी इसको 9 out of 10 की रेटिंग जरूर दूंगा। अब हालांकि आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। अब वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया तो यहां पे अब हम लोग बात करें अपने डब एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहां पे अगर आप लोग इंग्लिश डब एनिमे देखने फैन हो तो यहां पे मैं आप लोग बता दूं कि ब्लू एग्जॉस्टिस्ट बियॉन्ड द स्नो सागा अगर आप लोग इसका इंग्लिश डब देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि अब ये क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को देखने बाद इसके इंग्लिश डब को भी चेकआउट कर सकते हो। और अब जहां तक बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है हमारे एक इंडिया के न्यू एनिमे प्लेटफॉर्म को लेकर जिसका नाम है एनी वन इंडिया। और हाँ आप लोग याद होगा तो इससे पहले एनी वन एशिया का यूट्यूब चैनल था जो यहाँ पे मीडिया लिंक ग्रुप लिमिटेड का एक चैनल है। और हालांकि मिस इंडिया की तरह इनका कोई खुद का चैनल नहीं था इंडिया के लिए, बट कल के दिन फाइनली इन लोगों ने अपने एक चैनल को लॉन्च किया जहाँ पे अब हम लोग इंडिया के लिए कुछ एनिमे कॉन्टेंट मिलेंगे। बट यहाँ पे इंडियन ऑडियंस से मेरा बस एक ही कंसर्न है कि यहाँ पे आजकल की ऑडियंस बहुत ज्यादा ही मतलबी हो गई है। आई मीन कल इन लोगों ने चैनल लॉन्च किया, इन लोगों ने इंडिया से हेलो बोला, बट यहाँ पे ऑडियंस का क्या रिप्लाई आता है? हिंदी डब एनिमे कब आएगा, तमिल डब एनिमे कब आएगा, तेलुगु डब एनिमे कब आएगा? अरे भाई रुक जाओ, चैनल को खोले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से डब को लेकर स्पैम चल रहा है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो इंडियन लोग होते हैं वो बाहर के मेहमानों का अच्छे से स्वागत करते हैं, बट यहाँ पे ये किस तरीके का स्वागत हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो लोग समझे कि इंडियन ऑडियंस सपोर्टिव है, बट यहाँ पे आप लोग वो स्पैमर वाला काम कर रहे हो जिससे यहाँ पे बेकार इंप्रेशन फैलेगा। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को ये चीज सुन के बुरा लगा होगा, बट यहाँ पे आप ही लोग सोचो कि अगर आप लोग अपने बर्थडे में किसी को बुलाओगे अपने घर में और जैसे ही वो मेहमान आपके घर में आएगा तो क्या आप लोग उसे गिफ्ट मांगने लगोगे? नहीं भाई, तो पहले गिफ्ट दे तभी घर में घुस, ऐसा तो होगा नहीं। पहले आप लोग उस मेहमान को अपने घर में वेलकम करवाओगे और उसके बाद जाकर वो बंदा आपको गिफ्ट देगा। बट इस बार मुझे देखकर बुरा लगा कि यहाँ पे इंडियन ऑडियंस काफी ज्यादा मतलबी हो गई है जो यहाँ पे सिर्फ डब को लेकर स्पैम करी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनी वन इंडिया आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें नहीं करेंगे, वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे वो कोनोसुबा एनिमे लाएंगे और साथ में हाउ नॉट टू समन ए डीमन लॉर्ड और भी कई सारे एनिमेज ये एनी वन इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। और जहां तक इनके और भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एनिमे स्ट्रीम करने के साथ 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 ही में इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल्स भी देंगे, जो चलो और भी अच्छी बात है कि आप लोगों को हिंदी सबटाइटल्स एनिमे लीगली तौर पे देखने मिल जाएगा। और जहां तक बात करें डब्स के बारे में तो डब के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एनी वन इंडिया ने कहा है कि वो डब एनिमे भी लाएंगे, बट उसको लाने में अभी इनको टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक इन लोगों ने इंडिया के लिए स्टाफ मेंबर्स को भी हायर नहीं किया है। और इसीलिए जो इतने सारे लोग डब को लेकर स्पैम कर रहे यहाँ पे, ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और यहाँ पे लुटेरे पहले आ गए, इसलिए पहले उनको अपने पैर जमाने दो, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो। ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है और आप लोग उसको अभी चलने के लिए बोल रहे हो कि चल के दिखाओ, इसलिए आप लोगों को हर चीज के लिए पेशेंस रखना चाहिए। और यहाँ आप लोग बस इतना याद रखो कि सबर का फल मीठा होता है, इसलिए जो भी होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगा और होपफुली आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।